हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना किचन चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। इस रेसिपी का नाम है पाइनएप्पल केसरी पाइनएप्पल कालवा। इसका स्वीट एंड सॉर्ट टेस्ट और ड्राई फ्रूट्स के नटी क्रंची टेस्ट काफ़ी यम होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पाइनएप्पल कालवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लिया, उसमें 1 ग्लास वाटर डाल के लो हीट पर इसको सिमर होने के लिए रख देंगे। जब तक मेरा वाटर सिमर कर रहा है तब तक हमें आने दें गैस पर किया। अब इसमें ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून के निर्बल प्योर घी। घी मेरा पूरा गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करूंगी 1 स्मॉल बाउल सेमोलिना, जिसको अब हम इसको चलाएंगे। मीडियम हीट पे मेरे को इसको चलाते रहना है, हाई हीट पे मेरे को नहीं करना है, क्योंकि हाई हीट पे वो जल्दी से आपका ब्राउन हो जाएगा बट वो एरोमा आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो टेक्स्चर नहीं आएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सम सेफ्रॉन के स्टैंड। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने 10 अलमंड्स लिए थे, हमको इनको तब तक सॉटे करना है जब तक ये अच्छे से नाइस गोल्डन कलर में चेंज नहीं हो जाता। इसको हमको मीडियम हीट पे कंटिन्यूसली स्टेयर करना है। और इस हलवा को बनाते समय ना मेरे को काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अच्छी चीज़ों को बनाने में समय तो लगता ही है। इसमें से हमको नाइस अरोमा मिलने लगा है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं ना काफ़ी नाइस अरोमा मिलने लगता है। अभी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना सिमर किया हुआ वाटर ऐड करते समय बी केयरफुल, क्योंकि वो थोड़ा सा बबली होते हैं, गलने का डर होता है। और इसको हमको कंटिन्यूसली स्टेयर करना है। ये देखिए ठीक होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बाउल चॉप्ड पाइनएप्पल के पीसेस, 1 बाउल पाइनएप्पल प्यूरी, इसको अच्छे से सॉटे कर लेना है। इसमें मैंने ऐड किया शुगर, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 1 बाउल इसमें ऐड किया हुआ है। आप जब शुगर ऐड करते हो ना तो ये थोड़ा सा अपना पानी रिलीज करता है, तो उसको धीमी आंच पे हमको पकने के लिए रख देना है, चलाते भी रहना है। 2 से 3 मिनट बाद ये ठीक होने लगते हैं। और ये देखिए बबल्स उठने लगे हैं, इट मीन्स कि ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब मैं हीट को ऑफ कर दूँगी। अब मैं इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा पाइनएप्पल हलवा पाइनएप्पल केसरी बन के रेडी हो गया है। तो इफ़ यू लाइक माई रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।